स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज राइटिंग स्किल्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइटिंग स्किल्स। व्हाट आर राइटिंग स्किल्स? राइटिंग स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमें राइटिंग स्किल्स की राइटिंग स्किल्स पे प्रॉपर कमांड होनी चाहिए कि दैट वी शुड नो how to write in an effective way and how we should write. So good writing skills allow you to communicate your message with clarity and ease. ke good writing skills jo hoti hain usse kya jo hai wo hame assist karti hain ki how to write in an effective way, ki how to deliver a message or communicate our message with a clarity. So the communication takes place to a far larger audience than through face to face or telephone conversations. कि स्पीकिंग में क्या होता है कि स्पीकिंग में आ जाती है कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं या फिर जो है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस होती हैं हमारी। बट इफ़ वी वांट टू कम्युनिकेट विद अ लार्जर ऑडियंस तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो वी कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग टू अ audience. So what is audience and what should be the format of the writing? The first step for writing is choosing the appropriate format. ke isme jo writing ke liye jo pehla sabse basic point aata hai wo ye hota hai ke what kind of format we should use. The format as well as the audience defines the writing voice. How formal or relaxed the tone should be. कि किस तरह की हमारी जो है वो राइटिंग टोन किस तरह की होनी चाहिए। पहले ऑडियंस के मुतलक हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कैसी है, फिर उस तरह की वोकेबलरी यूज़ करें, उस तरह की टोन यूज़ करें, उसी तरह से जो है वो मतलब वो सारे का सारा उसको रिफाइन किया जाता है जो राइटिंग होती है। ठीक है, अगर आपकी जो ऑडियंस है वो मतलब हाई क्लास है तो उसके लिए आप वोकेबलरी भी उस तरह से सेट करेंगे। अगर जो है वो ऑडियंस आप देखें के जो है वो मतलब मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास है तो उसके लिए उसी क्लास की वोकैबुलरी यूज होगी। ठीक है, विद एवरीथिंग वन राइट्स द रीडर्स रिसिपिएंट्स शुड बी एबल टू डिफाइन द टोन एज वेल एज द एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट। व्हाट शुड बी द कंपोजिशन एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग? Start with your audience. The reader should be introduced with the subject. के जो reader होता है वो subject से वो should be introduced with the subject. उसे subject के about पता होना चाहिए। Start with your audience. के पहले अपनी audience के about आपको पता हो कि कौन सी audience choose की है, कौन सी audience select की है। Create an the second one step is create an outline. Outline होता है table of contents के जिसमें आप जो है वो एक different points बना के तो एक idea दे देते हैं कि ये चीज़ें I am going to discuss these things के वो जो है वो मतलब फिर mind बन जाता है reader का कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है वो ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होंगी, तो उससे reader interest जो है वो develop होता है। Outlines help in identifying which steps to take in which order. के किस तरह से आप जो है वो बात जो है वो schedule करेंगे। Use ADA. Follow the ADA is the acronym or abbreviation of four words: attention, interest, desire, and action. This is a formula that should be used in writing. These steps can help in the writing process. के ये वाले जो steps हैं वो writing process में help out कर सकते हैं। Use some empathy. One should remember the audience needs at all times. के जो writer है उसे पता होना चाहिए कि what are the needs of the reader. Use the rhetorical triangle. One should make sure that one communicates why people should listen.
कि उसे पता होना चाहिए कि ये जो मैं जो लिख रहा हूँ इसे लोग क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑडियंस की डिमांड का, नीड का भी पता होना चाहिए। द मैसेज शुड इंगेज द ऑडियंस, के मैसेज इस तरह का आपका होना चाहिए दैट कैन इंगेज द ऑडियंस, जो कि ऑडियंस को साथ इंगेज कर सके, साथ लेके चल सके, ठीक है। इससे जो ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा और दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड योर वर्ड्स। वर्ड शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द राइटिंग, द डॉक्यूमेंट शुड बी एज रीडर फ्रेंडली एज पॉसिबल, कि वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, कि रीडर जो है वो मतलब एग्जॉस्टेड ना हो आपका जो है वो मटेरियल या फिर कंटेंट पढ़ के। द नेक्स्ट वन स्टेप इज़ यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड नंबरिंग वेन एवर पॉसिबल टू ब्रेक अप द टेक्स्ट, के डिफरेंट हेडिंग्स यूज होनी चाहिए टेक्स्ट में, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए जब भी आप जो है वो एक पॉइंट ब्रेक करना चाह रहे हो। यूजिंग क्वेश्चंस इज अ गुड आइडिया, क्वेश्चंस हेल्प कीप द रीडर इंगेज विद एंड क्यूरियस, के जब आप क्वेश्चन पूछते हैं वाइल राइटिंग तो उससे रीडर जो होता है वो क्या करता है कि वो इंगेज रहता है विद योर मटेरियल, विद योर कॉन्टेंट। सो हाउ वी शुड अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स, इट इज असेंशियल टू लर्न ग्रामर प्रॉपरली टू अवॉइड कॉमन एरर्स और कॉमन मिस्टेक्स। यूजिंग वर्ड्स लाइक अफेक्ट इंस्टेड ऑफ इफेक्ट, इस तरह की गलतियां हम करते हैं कि अफेक्ट जहाँ पे यूज होने हम इफेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे इफेक्ट होने पे हम अफेक्ट कर देते हैं। और मिसिंग आउट दी अपोस्ट्रॉफी शुड बी अवॉइडेड, के बहुत ज़्यादा जो है वो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमने अपोस्ट्रॉफी ऐड करना होता है, बट वी डोंट डू सो, कि हम वो जो है ऐसा नहीं करते। एवरीथिंग दैट वन राइट्स शुड बी ऑफ अ क्वालिटी दैट एवरी रीडर विल फाइंड एक्सेप्टेबल, कि जब आप लिख रहे हों तो आपकी राइटिंग में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि रीडर विल एक्सेप्ट दैट, कि हर एक रीडर, कोई भी रीडर उसे पढ़ता है तो वो जो है वो हर रीडर की तरफ से एक्सेप्टेबल हो। प्रूफिंग, प्रूफिंग क्या होती है कि पहले जब आपने लिखा है उसके बाद उसको चेक करना, इसे आप प्रूफ रीडिंग भी बोल सकते हैं, कि प्रूफ रीड करना कि जो है कोई गलतियां रह तो नहीं गई, अगर कोई रह गई हैं जब आप प्रूफ रीड करेंगे तो वो जो है वो उनको आप कवर अप कर लोगे, उनको ख़त्म कर लोगे। प्रूफ योर हेडर्स एंड सब हेडर्स, पीपल ऑफन स्किप दीज एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट अलोन जस्ट बिकॉज हेडर्स आर बिग एंड बोल्ड डजेंट मीन दे आर एरर फ्री, ठीक है। कि इसका मतलब ये नहीं है, पहले जो है वो आपके जो हेडर्स या फिर आपने जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दी हैं उनको चेक करें। लोग क्या करते हैं कि वो जो है ये समझते हैं कि लोगों का जो रीडर है उसका फोकस जस्ट जो है वो टेक्स्ट पे होता है, तो अगर आप हेडिंग्स जो है वो गलत भी दे देंगे तो दैट्स ओके, दैट इज नॉट ओके, ठीक है। रीड द डॉक्यूमेंट आउट लाउड, अब एरर्स को अवॉइड करने के लिए जो है एक मेथड यूज़ होता है कि उसको लाउडली जो है वो आप पढ़ के देख लें कि अगर कोई गलती है तो उससे क्या होगा। दिस वे वन इज़ मोर लाइकली टू कैच मिस्टेक्स, आप जो है वो इजीली मिस्टेक्स कैच कर सकते हैं। यूज़ योर फिंगर्स टू फॉलो टेक्स्ट एज यू रीड, दिस इज़ एन अदर ट्रिक टू हेल्प दैट हेल्प्स स्लो डाउन, के अगर आप फिंगर यूज़ करते हैं साथ साथ जो है वो मतलब पढ़ते हुए साथ वो जो है वो मूव करते जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी एक तो स्पीड स्लो होगी और जहाँ पे गलती आएगी वहाँ पे वो पॉइंट आउट कर सकेंगे आप। स्टार्ट एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, प्रूफ रीड फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग, दिस हेल्प्स फोकसिंग ऑन एरर्स नॉट ऑन कॉन्टेंट, के अगर आप लास्ट से जो है वो लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं फिर उसके पास इसी तरह से सो ऑन, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो स्टोरी पे नहीं होगा बल्कि वो उसकी प्रूफ रीडिंग पे होगा, वो उसकी जो एरर्स हैं उन पे होगा। एंड इन दिस वे यू कैन अवॉइड दी ग्रामेटिकल एरर। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू कम्युनिकेट टू अ पॉइंट क्विकली एंड प्रोफेशनली, आइडेंटिफाई द ऑडियंस बिफोर इवन
स्टार्टिंग टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट, पहले ऑडियंस के मुतलक आपको पता होना चाहिए। इफ़ वन फील्स दैट देयर इज़ टू मच इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड, एन आउटलाइन शुड बी क्रिएटेड टू आउटलाइन दी थॉट्स। अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट है आपके पास, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए कि एक आउटलाइन बना लेनी चाहिए, जो कि आपके रीडर को असिस्ट करती है, हेल्प आउट करती है। लर्निंग ग्रामेटिकल एंड स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स विल आल्सो हेल्प इन राइटिंग मोर क्लियरली, कि डिफरेंट जो ग्रामेटिकल टेक्निक्स होती हैं, स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स होती हैं, अगर उनका नॉलेज हो तो ये और ज़्यादा जो है वो मतलब असिस्ट करता है इन अ राइटिंग प्रोसेस।